तो ये दोस्तों जोड़े को और माँ बाप को हमने जो है वो सॉरी जोड़े को और बच्चों को जो है हमने जाल में कर दिया। अब इनको लेके चलते हैं नीचे और फिर वीडियो को जो है हम कंटिन्यू करते हैं। बच्चों की कंडीशन देखिए, ये देखिए दोस्तों बच्चे को फीड दे दी है और अब इसकी कंडीशन ये देखिए माशाल्लाह पहले से कुछ बेहतर है। ये तो आ गए हैं दोस्तों केज के पास, दरवाज़ा केज का खोल दिया है। बच्चे को दोस्तों दूसरे बच्चे के पास, देखते हैं दोस्तों कल क्या अपडेट बनती है। जो भी होगा आपके साथ नेक्स्ट क्लिप में शेयर कर देंगे। अब आप लोग के सामने इसको हटाते हैं और देखते हैं कि पट्ठे का क्या बना। पट्ठा मेरे हिसाब से तो भैया ठीक होना चाहिए, बाकी तो फिर अल्लाह मालिक है। आँख की क्वालिटी देखिए दोस्तों, हमें नहीं लगता दोस्तों बताने की ज़रूरत है कि ये क्या चीज़ है। ऐसे गोल्डन वाइट ढूंढने से नहीं मिलते। तो ये लिए दोस्तों आ गए ऊपर वाले केज में और जो कबूतर हमको इसमें से निकालना है दोस्तों वो एक देखिए मादीन, एक तो ये सबसे पहला काम ये देखिए केज में आके बैठो तो सबसे पहले तो ये गंदगी होती है। खैर इन सब चीज़ों से अब आदत हो गई है। सबसे पहले दोस्तों ये मादा है कसूरी वाली जो हमको नीचे उतारना है, ठीक है, ये कसूरी वाली मादा। और इसका जो नर है दोस्तों वो ये देखिए ये बैठा है, ये नर है गोल्डन। इसका इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर शो कभी नीचे जब लेके जाएंगे तब आपको कराएंगे। और ये दोस्तों मेरे जीरे टेडियों में से निकले हुए, ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए। और बच्चे दोस्तों जो है इसके वो ये देखिए, ये होता है दोस्तों बच्चों के साथ, कभी कोई चढ़ा जा रहा है कभी कोई, तो ये गतें पिटी हुई है दोस्तों बच्चों की, एकदम गतें पिटी हुई। तो ये रीज़न है दोस्तों कि हम ये केज रखा हुआ है हमने। वीडियो को हम एक सेकंड के लिए दोस्तों पॉज करेंगे क्योंकि बहुत रिस्क है, यहाँ पे बाय चांस पता चला कि हम पकड़ने चले हो कबूतर को इधर से निकल गया तो भागता नजर आएगा मेरे पीछे से इधर साइड से, ठीक है। तो हम इनको कबूतरों को इसमें करके फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ये दोस्तों जाल है, ठीक है, इसमें कबूतरों को करके फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों जोड़े को और माँ बाप को हमने जो है वो सॉरी जोड़े को और बच्चों को जो है हमने जाल में कर दिया है। अब इनको लेके चलते हैं नीचे और फिर वीडियो को जो है हम कंटिन्यू करते हैं। बच्चों की कंडीशन देखिए, इनको नीचे लेके चलते हैं तब आपको सही से दिखाते हैं कंडीशन बेचारों की। हम इनको हम थोड़ा सा हैंड फीडिंग भी कराएंगे, उसके बाद जो है इनको इंशाल्लाह इनके माँ बाप सही से चोगा देंगे। तो ये दोस्तों जोड़े को और बच्चों को हम नीचे ले आए हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है, अरे खैर अभी हम इसको ऊपर करते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए ये फीडर है, दाना इसमें हमने प्रॉपर तरीके से लगा दिया है, मिक्स दाना है माशाल्लाह, मिक्स दाना ही लगाते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है बच्चों की पलाई में भी। ये देखिए, और ये जो है चोटीदार वाला पट्ठा, बॉस का गिफ्ट, चोटीदार वाला पट्ठा ये, ठीक है। इस वाले केज में जो है अभी हम इसको छोड़ेंगे जोड़ को और इसके बच्चों को। सबसे पहले तो दोस्तों बच्चा निकालते हैं और बच्चे की आपको कंडीशन दिखाते हैं दोस्तों कि कितनी गंदी कंडीशन में बच्चे हैं। ये देखिए, गंदी से मतलब सही भरी नहीं पा रहे हैं तो गंदी तो होगी ही भाई। ये देखिए हालत देखिए बेचारे की, ये देखिए, अफसोस होता है दोस्तों मगर क्या करें, मगर इंशाल्लाह बचा लेंगे इनको इंशाल्लाह। ये पहला बच्चा बैठा दिया है अंदर, बहुत बेचारा डाउन कंडीशन में, दूसरा बच्चा भी लेकर आते हैं। इधर आ जाओ इधर आ जाओ। ये इसकी कंडीशन थोड़ी सी अच्छी है दोस्तों उसके मुकाबले, ये देखिए ये उससे काफ़ी हद तक बेहतर है। ये देखिए ये देख रहे हैं इसको, देखिए कैसा बेचारा ठंडक से हिल रहा है। तो ये देखिए इसकी कंडीशन बेचारे की ज़्यादा अच्छी है उसके मुकाबले, ये ज़्यादा बेहतर कंडीशन में। तो इनको भी अंदर छोड़ते हैं और अब ले, अरे बेटा अंदर ही चलो, उधर थोड़ा इधर बैठ जाओ, इधर ही बैठो, ये भाग रहा है बेचारा, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। ये देखिए अब दोस्तों माँ बापों को भी जो है हम बारी बारी से छोड़ते हैं। पहला ये नर सॉरी मादा है, एक तो मादा इसकी बहुत तेज़ है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप लोग बिल्कुल, ये लग रहा है हाथ, ये देखिए लग रहा है हाथों से लड़ रही है मेरे। ये देखिए सबसे पहले ये कमग्गर वाली मादा है,
ये इसका भी हम पहले इनको अंदर छोड़ दें, ठीक है। ये मादीन है, इनका भी हम शौक आपको कराएंगे, सही से शौक कराएंगे, लेकिन आज नहीं, इंशाल्लाह कल इनका शौक हम सही से कराएंगे आपको। लेकिन ये वीडियो हम एक ही में अटैच कर देंगे, आप लोग वीडियो को स्किप ना कर दिएगा। ये वीडियो जो है हम कल बनाएंगे, मगर ये इसी वीडियो में अटैच रहेगी। आजा शहजादे, मतलब आपको जो है इसी पूरी वीडियो में शौक करने को मिलेगा। हमारे हिसाब से हम कल बनाएंगे, लेकिन आपके हिसाब से एक ही बार में पूरा हो जाएगा। ये नर है, इसको भी दोस्तों जो है हम इसके अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पूरा जोड़ा दोस्तों हमने अंदर छोड़ दिया है, ये देखिए, ये भूखा है इतना कि ये पलटी कर रहा है। इसके पोटे में कुछ नहीं है, एक रेजा नहीं है इसके पोटे में, मगर ये भूखा है इसलिए ये ऐसा कर रहा है, क्योंकि हम ऊपर वाले जोड़ों उड़ने वाले कबूतरों में एक टाइम दाना लगाते हैं, जो उड़ने वाले सॉरी जो सेल वाले होते हैं, और भरपेट लगाते हैं, और जिनको बच्चे भराना होते हैं दोस्तों उनके लिए एक टाइम जो है वो सही नहीं है, इसीलिए हमने इसको नीचे उतारा है। बाकी ऊपर तो आपको सारे कबूतर माशाल्लाह एकदम फ्रेश फिट मिलेंगे, ये देखिए। बाकी दोस्तों अभी जोड़े के आँख पंजों का भी हम आपको जो है शौक कराएंगे इसी वीडियो में। ये देखिए दोस्तों जोड़ा कैसे फीडर में दाना खा रहा है। इसमें इनको ये है कि इनको भरपूर खुराक मिलेगी इंशाल्लाह, और बच्चों को ये सही से पाल पाएंगे। ये देखिए कैसे माशाल्लाह फीडर में खा रहे हैं लोग मुंह डाल के। बाकी का जो अपडेट रहेगी इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट क्लिप में इसी वीडियो में ऐड कर देंगे, कल की क्या अपडेट है वो भी आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कैसे फ्रेश खा रहे हैं दाना माशाल्लाह, ठीक है। ये नीचे ये देखिए टेडी वाला जोड़ा, पानी भी अभी लगाना है, कुनकुना पानी गर्म कर रहे हैं, कुनकुना करके पानी लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि सीज़न कुनकुना पानी देने वाला है, ठंडा पानी देने वाला है भी नहीं, ठीक है। ये देखिए बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में आपको पता चल जाएगा कि बच्चों की क्या अपडेट रही, बच्चे थोड़े बेहतर हुए कि नहीं हुए। बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। रात का करीब दोस्तों 11:30 बज रहा होगा, ये जोड़ा बैठा हुआ है, और एक बच्चे को तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे से ये देखिए चोगा वगैरह दे दिया है, बहुत अच्छे से भरा दिया है, अभी भी मादा इसको भरा ही रही थी। और दूसरे बच्चे की कंडीशन अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए पहले बच्चे का पोटा वगैरह माशाल्लाह कितने अच्छे से फिल कर दिया इन्होंने, अभी मादा इसको भरा ही रही थी बैठी, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए दूसरे बच्चे की आपको देखिए हम अपडेट देते हैं अभी, दूसरे बच्चे की क्या सिचुएशन है। तो दूसरे बच्चे की दोस्तों कुछ ये सिचुएशन है, ये हैंड फीड बनाई है इसकी हमने, ठीक है। हैंड फीड किस चीज़ से बनाई है दोस्तों वो भी दिखा देते हैं, वीट एप्पल का सेरेलेक है, ठीक है। इसमें ज़रा सामने मल्टीवाइटमिन मिला दिया है, A to Z सिरप जो आता है, और उसी से बनाई है। अभी इसको हम हैंड फीड देंगे, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है दोस्तों, बच जाए तो किस्मत है, बाकी अल्लाह मालिक का। ये देखिए काफ़ी लो कंडीशन में, तो इसको भी हम हेड फीड देते हैं और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों बच्चे को फीड दे दी है, और अब इसकी कंडीशन ये देखिए माशाल्लाह पहले से कुछ बेहतर है। ये देखिए उंगली लगाओ तो ये देखिए दाने के लिए मुंह आगे पीछे कर रहा है, ये देखिए पोटे में इसके, असल में ज़्यादा इसको दे भी नहीं सकते हैं, पता चला दिक्कत हो जाए इसको, तो इसलिए इसको ये देखिए अब तो इसने आँखें भी खोली हैं, ये देखिए वरना तो एकदम ये आँखें बंद किए हुआ था। अब उंगली लगाओ हल्की सी तो ये देखिए आवाज़ देखिए निकली, ये देखिए उंगली लगाओ हल्का सा हिलाओ तो हल्का सा मूवमेंट कर रहा है आगे की तरफ। तो इसको दे दिया है दोस्तों फीड, इसके मतलब भर की दे दिए। ये देखिए पोटा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए साइड से फूला हुआ है, ज़्यादा नहीं खिलाएंगे, पता चला दिक्कत हो जाए तो और मुसीबत। तो इसको जाके रख देंगे इसके माँ बाप के पास, इसको लेके चलते हैं इसके माँ बाप के पास, लेके चल के छोड़ते हैं इसको पहले। ये देखिए पोटा माशाल्लाह पहले से काफ़ी हद तक, ये देखिए ज़्यादा नहीं भरा हमने कि पता चला दिक्कत हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा मूवमेंट भी आया इसके अंदर, इसको रख देते हैं पहले, हम इसके माँ बाप के पास रखते हैं इसको लेके चल के। तो आ गए हैं दोस्तों केज के पास, दरवाज़ा केज का खोल दिया है, बच्चे को दोस्तों दूसरे बच्चे के पास छोड़ देते हैं। अबे इधर सीधे बैठो, सीधे लेटो नहीं है। ये दोस्तों इसको जो है इसके साथी के साथ छोड़ दिया है, सही से बैठा दें इसको। ये देखिए दोस्तों अभी माँ इनके ऊपर बैठ जाएगी
और इंक्यूबेट करेगी, थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे बच्चे। देखते हैं दोस्तों इंशाल्लाह क्या बनता है, देखते हैं दोस्तों कल क्या अपडेट बनती है। जो भी होगा आपके साथ नेक्स्ट क्लिप में शेयर कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो सुबह का दोस्तों 10:30 का टाइम हो रहा है और मौसम आज भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, और देखते हैं दोस्तों पट्ठिया क्या बना। हमने अभी तक केज के आगे जो पड़ा हुआ है पर्दा, ये हटाया नहीं है क्योंकि ठंड बहुत हो जाती है तो पर्दा डाल देते हैं। अब आप लोग के सामने इसको हटाते हैं और देखते हैं कि पट्ठे का क्या बना। पट्ठा मेरे हिसाब से तो भैया ठीक होना चाहिए, बाकी तो फिर अल्लाह मालिक है। ये रहा दोस्तों, है कि निपट गया। इसको पूरा हटाते हैं और देखते हैं क्या बना क्या नहीं। मर गया। कंडीशन इसकी दोस्तों कल से ही काफ़ी डाउन थी, उम्मीद हमें भी कम थी, मगर क्या किया जाए, अभी तो किस्मत की बात है। चलें खैर, जो किस्मत में था भाई, जो अल्लाह को मंजूर। दूसरा पट्ठा देखिए माशाल्लाह कितना बढ़िया है। ये माँ बाप बैठे हुए, इनका भी हम आपको शौक कराएंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो में। और इसका अफसोस हो गया हमें। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों, तो वीडियो को भी हम पहले कबूतरों में पानी वगैरह लगा दें, पानी पी लें, उसके बाद जो भी हम आपको आग पंजे का हम जोड़े के शौक कराएंगे। ठीक है, केज में जस्ट अभी पानी लगाया है दोस्तों, और ये देखिए कैसा बच्चे को भरा रहा है बाप। ये देखिए, तो इस एक बच्चे की दोस्तों इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि बच जाएगा ये। बाकी एक तो आपके सामने ही है क्या हुआ उस बेचारे के साथ। कोशिश बहुत की दोस्तों, मगर क्या करें, किस्मत की बात है, जिसकी अल्लाह ने जितनी रखी है उतनी ही मिलेगी। बाकी ये वाला पट्ठा देखिए माशाल्लाह एकदम फ्रेश है, पानी लगा दिया है हमने, तो अब बाप ने पी के बच्चे को भरा रहा है। ये देखिए माशाल्लाह, हम खड़े में तो डर रहे हैं, खैर कैमरा हटा लेते हैं वरना ये सही से भराएगा नहीं, ये डर रहा है बार बार हमारी वजह से। तो लीजिए दोस्तों, आज आपको हम शौक कराएंगे इस जोड़े का, गोल्डन वाले नर और कसूरी का मगर मदीन का। ये पट्ठा है, पट्ठा देखिए माशाल्लाह अब लुक कितना ज़बरदस्त हो गया है। ये हमको दोस्तों उस दिन टाइम मिल नहीं पाया था, तो आज हम नेक्स्ट डे वीडियो शूट कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह कैसा नायाब जोड़ा है दोस्तों, कैसा नायाब जोड़ा है। ये देखिए इस पूरे जोड़ का दोस्तों अभी हम आपको शौक कराते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह दोनों का भी हम शौक कराते हैं आपको दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये नर है, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हाथ नहीं बर्दाश्त है दोस्तों कबूतर को, और माशाल्लाह बहुत ही नस्ली और असली कबूतर है ये, बहुत बहुत ही मतलब नस्लदार गोल्डन कबूतर। इसकी सबसे पहले आप लोग आँख देखिए, आँख की क्वालिटी देखिए दोस्तों, हमें नहीं लगता दोस्तों बताने की ज़रूरत है कि ये क्या चीज़ है। ऐसे गोल्डन वाइट ढूंढने से नहीं मिलते, ढूंढने से भी, कि जो क्वालिटी का कबूतर है ये मोहताज नहीं है अपनी तारीफ का कि हम कुछ कहें इसके बारे में। बाकी आप लोग खुद देखिए और बताइए। ये देखिए माशाल्लाह, आँख आपको और जूम करके दिखाते हैं ताकि आपको और मज़ा आए। ये देखिए, शौक का मज़ा आना चाहिए दोस्तों, शौक का मज़ा लीजिए आप लोग, देखिए और बताइए दोस्तों क्या चीज़ दिखा रहे हैं आज आपको माशाल्लाह। रिंग देखिए कबूतर की आँख में आप लोग, ज़बरदस्त इंतहा का नस्ली कबूतर दोस्तों, इंतहा का नस्ली। ये देखिए माशाल्लाह ऐसी गज़ब क्वालिटी की आँख है भाई, गज़ब क्वालिटी की। डायल देखिए कैसा इसका आगे पीछे हो रहा है। ये माशाल्लाह मोमी चोच का गोल्डन है, बहुत ही अच्छा कबूतर है भाई, बहुत अच्छा कबूतर है। पर देखिए माशाल्लाह ये सब पर इसके ख़राब हो गए ऊपर। ये देखिए सीक्वल देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त सीक्वल है, पर वो मुलायम कबूतर है। ये देखिए दोस्तों पंजे कबूतर के एकदम जामनी पंजे, और ये हल्का सा हड्डी निकल आई है कबूतर की, क्योंकि ऊपर डबल बच्चा भरा रहा था ये असल में, और डबल बच्चा भराना ऊपर थोड़ा सा जहमत वाली चीज़ थी, क्योंकि
उड़ने वाले कबूतर सब है ना उसमें, जो बिकने वाले आते हैं प्लस जो और भी कबूतर आते हैं, तो वो सब ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर खाता है दाना, तो इन लोग को उतना नहीं मिल पाता था, तो यही रीज़न था। ये देखिए माशाल्लाह आप लोग ज़बरदस्त, माशाल्लाह मदीन का शौक कराते हैं आपको कबूतरी का। दोस्तों आप लोग शौक कीजिए माशाल्लाह, देखिए चीज़ क्या दिखा रहे हैं आज आपको, बिल्कुल हाथ नहीं बर्दाश्त है दोस्तों इन कबूतरों को, बिल्कुल भी हाथ नहीं बर्दाश्त है। कैसी नायाब और नस्ली कमग्गर मादीन है ये। अब ये देखिए माशाल्लाह भाई, इसको हम पलटेंगे दोस्तों, इस नर से काटेंगे जोड़ा इसका, मेरे पास एक कमग्गर नर पड़ा है उससे डालेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए कबूतरी की आंख दोस्तों, कैसी ज़बरदस्त और नायाब आँख है, लाल आँख की कबूतरी है, और बल्कि आँख इसकी दोस्तों बहुत हल्की हो गई है, बहुत हल्की हो गई है दोस्तों इसकी आँख, इसकी आँख बहुत डार्क थी दोस्तों। ये असल में तो जाड़े के सीज़न में वैसे भी लाल आँख वाले कबूतर थोड़ी सी आँख अपनी हल्की कर लेते हैं, और दूसरा रीज़न ये कि ऊपर वाले जो जाल में ये पड़ी थी वहाँ पर धूप आती ही नहीं है, तो हम पूरा उसको ढके रहते हैं जिसकी वजह से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बाकी आप लोग आँख का क्लोजअप एक बार और ले लीजिए, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको दोस्तों आज का शौक करके। ये देखिए क्या ज़बरदस्त चीज़ आपको आज दिखा रहे हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए एकदम गुलाबी चोंच की मादा, ये देखिए आँख की क्वालिटी ज़बरदस्त आँख है, ये पूरी कबूतरी का कलर है। ये देखिए बिल्कुल नहीं हाथ बर्दाश्त है दोस्तों इसको, ये देखिए माशाल्लाह बाजुओं की क्वालिटी, ये देख रहे हैं बड़ी मुश्किल से इसको भाई रोका हुआ है, बड़ी मुश्किल से। ये देखिए ज़बरदस्त बाजू लगाए हैं, ये कैसे सीक्वल में पर चल रहे हैं। ये देखिए ये पंजों की क्वालिटी देखिए दोस्तों, एकदम सुर्ख पंजे, एकदम सुर्ख पंजा, और टेल के पर थोड़े से इसने झाड़े हुए हैं, ये अभी वक्त के साथ जो है रिकवर कर लेगी। ये देखिए माशाल्लाह, अब छोड़ते हैं केज में, बिल्कुल ये देखिए हाथ ही नहीं बर्दाश्त है दोस्तों इनको बिल्कुल भी। तो ये पूरा जोड़ा दोस्तों छोड़ दिया है केज में, ये देखिए। ये वीडियो आज हमने दूसरे दिन शूट करी है क्योंकि उस दिन तो टाइम मिल नहीं पाया था हमें, और ये देखिए दोस्तों बच्चा माशाल्लाह कैसा फ्रेश हो गया है। ये देखिए एक तो खैर अल्लाह को प्यारा हो गया, एक माशाल्लाह काफ़ी हद तक फ्रेश है। तो ये जोड़ है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जोड़ अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़।